अभी तो स्क्रीन ऑफ विजिबल नहीं हो रही है ना। जी नहीं सकती। चलो हो जाएगी 1 सेकंड में। चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले देख लें आप लोग कैसा पढ़ रहे हो। अभी स्क्रीन दिख रही है ना, जी बोलो जी सर। जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। योग सूत्र के अनुसार संयोग का क्या स्वरूप है? आप देख लो योग सूत्र का क्या स्वरूप है, मुझे कौन बताएगा? अभी आप लोगों को कौन सी स्क्रीन दिख रही है? सर प्रश्न उत्तर का सर 26 ऑब्जेक्टिव नंबर सर। क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलो बताओ मुझे आंसर कौन करेगा, मैं बता दे रहा हूं। आप लोग आंसर करो, वैसे टाइप कर सकते हो सभी। मुझे प्रियंका पांडे जी बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। योग सूत्र के अनुसार संयोग का क्या स्वरूप है? चारों ऑप्शन आप पढ़ लो, आपके पास 30 सेकंड है। प्रियंका जी हो? यस सर मैं सोच रही हूँ सर। संयोग का क्या स्वरूप है प्रियंका जी? इसमें बहुत ज्यादा अटकने की जरूरत मुझे नहीं लगती इसमें है। अभी तो और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें, जल्दी से कीजिए फिर हम अगले प्रश्न को भी देखें। हाँ सर फर्स्ट है सर। दूसरा क्यों नहीं होगा, तीसरा क्यों नहीं होगा, चौथा क्यों नहीं होगा, ये तो सबको क्लियर है ना। सत्य ये विभूति प्रतिष्ठायाम मात्र संयोग के बारे में कल बात नहीं करता, वो तो सत्य है। का फल। ठीक यस है सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, वो तो बता दिया आपने संयोग का स्वरूप क्या है सूत्र देखकर। अब मुझे गौरी सिंह जी बताएंगे कि जिसो स्वामी शक्तियो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, जो योग सूत्र है इसका अर्थ क्या है? वो चारों अर्थ दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन तो उपयुक्त सभी है, लेकिन उसमें आपको एक परफेक्ट आंसर ढूंढना है जो सभी भाई भाई जैसे दिख रहे हैं। स्वस्वामी शक्ति के अनुसार विभिन्न चीजों के साथ संयोग रखना चाहिए। तो शक्ति प्रकृति और स्वामी शक्ति आत्मा के स्वरूपों की उपलब्धि का हेतु संयोग है। स्वशक्ति स्वरूप उपलब्धि में हेतु बनती है, ये भी सही लग रहा है, उपर्युक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? गौरी जी बताइए जल्दी। जी सर। सर मुझे सेकंड वाली जो प्रकृति और स्वामी शक्ति आत्मा के स्वस्वरूप के उपलब्धि का है तो स्वयं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे साक्षी पाल आई है। साक्षी पाल हो? जी सर। चलो तुम्हारी बारी। क्या स्वस्वामी शक्ति हो? क्वेश्चन पढ़ रही हो ना, पढ़ो एक बार। हाँ सर पढ़ रही हूँ। पढ़ो। क्या स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग इत्यादि तथा दृष्टा दृश्यो संयोग यह हेतु सूत्र में प्रयुक्त संयोग शब्द का एक ही अर्थ है अथवा नहीं? बताओ सोचो। सर एक ही अर्थ है।
छोड़ो, आप इसका सवाल, इसका उत्तर मत करो, आपको सरल सा देते हैं। प्रश्न यह है साक्षी कि दृष्टा दृश्य के संयोग का कारण है, प्रश्न है आपके, सूत्र के माध्यम से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। का होगा या खा होगा या घ होगा, देखो दृष्टा दृश्य के संयोग का कारण है अपने, जो आपने बोला है ऊपर, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए इसमें कि कैसे है। सर ये तस्य हेतुरविद्या। बहुत बढ़िया, चलो +2 कर लो आप लोग। अब मुझे बताएंगे इस 2608 का क्वेश्चन आंसर, तस्य हेतुर्विद्या जो कि दूसरे के 24 में वर्णित है, इसका अर्थ क्या है? दृष्टा दृश्य के संयोग का कारण अविद्या है, अविद्या ही सभी अनर्थों का मूल है, अविद्या के नाश के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, अविद्या को हेतु रूप में स्वीकार किया गया है। सर इसका तो का होगा फर्स्ट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, का ही होगा इसका सही उत्तर। इसका उत्तर बताएंगे मुझे, कौन बताएगा? तद्भावात संयोगा भावो हानम तद्दृशे कैवल्यम का क्या अभिप्राय है? अविद्या का अभाव हो जाने पर दुख का कारण दृष्टा दृश्य के संयोग का भाव हो जाता है, और संयोगा भाव की वह अवस्था हान कहलाती है, तथा हान ही चेतन स्वरूप आत्मा का कैवल्य कहा जाता है। ये है, या सब विषयों का अभाव ही हान है तथा वह कैवल्य है, ये भी जैसा दिखाई देता है। दृष्टा जब किसी वस्तु से संयोग नहीं करता तब उसका कैवल्य हो जाता है, ये भी सही है। अब इन चारों में से, या फिर चारों नहीं है, ऊपर के तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बताइए कौन सा होगा? सर का होगा। गा क्यों नहीं होगा? सर जब दृष्टा किसी वस्तु से संयोग नहीं करता पर वो तदन्य साधारण है, तो वो जो है कि और लोगों के लिए तो वो रहता ही है, तो इसलिए नहीं है। लिखा है दृष्टा जब किसी वस्तु से संयोग नहीं करता, दृष्टा कौन है? परम पुरुष आत्मा, ठीक है, जब वो किसी वस्तु से संयोग नहीं करता तब उसका कैवल्य हो जाता है, तो क्या ये बात सत्य नहीं है? सर इसके आगे बहुत है ना सर, सिर्फ इतना ही। क्या मैं पूछ रहा हूं, अगर का आपका सही है तो क्या गा सही नहीं है? शब्द बीज नहीं हो ना वहां पर संस्कार। सर सुनने में तो सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है वो। सर काम वाले में पूरा क्लियर किया हुआ है इसीलिए वही लग रहा है होगा मतलब, का और और इसमें गा, सिर्फ इतना इसका ही दिया है ना। का और गा दोनों इसका सही उत्तर है, लेकिन एप्रोप्रिएट कौन सा बोलोगे आप इसमें? का, गा गलत नहीं है का लेकिन का ज्यादा सही है, ठीक है। अब मुझे इसका उत्तर कौन बताएगा? 2611 का मैं नाम बोलूंगा, ठीक है। योग सूत्र के अनुसार केवल को प्राप्त करने का क्या उपाय है? वैसे गिने चुने 13 ही लोग तो हैं, लाइन बारी से पूछते हैं। कृष्ण भी जी बताएंगे इसका उत्तर, केवल प्राप्त करने का क्या उपाय है? विवेक ख्याति विप्लवा हानो पायो। बहुत बढ़िया, यही है हान का उपाय। +2 कर लीजिए अपना। अब इसका उत्तर मुझे दीजिएगा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा का क्या तात्पर्य है?
उस विवेक ज्ञान को उपलब्ध होते हुए योगी को क्रमशः सात प्रकार की प्रकृष्ट अवस्था वाली बुद्धि बन जाती है, सात प्रकार के दीपों का ज्ञान कराने वाली हो जाती है, योगी सात प्रकार से किसी वस्तु को जान सकता है, यह बुद्धि रूपी वसुंधरा सात रूपों वाली। तो सर क्या होगा सर? होगा, बहुत बढ़िया, चलो मतलब आप लोग को मैंने ठीक ठाक पढ़ाया है, उत्तर दे पा रहे हो आप लोग। एक और क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? इसका उत्तर करो, 2614 का उत्तर करना। जिस योगी ने विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उसकी प्रज्ञा किस प्रकार की हो जाती है? का खा गा घा, या फिर 1 2 3 4 भी आप ऑप्शन दे सकते हो, यदि का खा गा आपके कीबोर्ड में नहीं आ रहा है स्टार्ट में। तो पुष्पा जी बताइए इसका उत्तर। जिस योगी ने विवेक ज्ञान को प्राप्त किया है उसकी प्रज्ञा किस प्रकार की होती है? सर याद नहीं आ रहा है सर। सर आपको याद क्यों करना है? ऑप्शन पढ़ो ना यहाँ। ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा चश्मा डालना पड़ेगा। और जूम कर दे रहा हूँ लो, अब और जूम कर दिए ये लोग। विद्या हेतु विद्या विवेक फर्स्ट का वाला सर। नहीं होगा पुष्पा जी, वो किस एंगल से लग रहा है आपको? आप सोच नहीं रहे हो, आप थोड़ा सा सोचो ना, बुद्धि में फोकस थोड़ा सा फोर्स किया करो ना। जिस योगी की जिसने विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे क्या होगा, क्या होगा उसकी बुद्धि के साथ, उसके उसकी बुद्धि के साथ क्या होगा, क्या क्या परिणाम उत्पन्न होगा, सोचा करो, याद थोड़ी करना है इसको। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा होगा, ठीक है? उसकी बुद्धि कैसी होगी? सात प्रकार की प्रज्ञा वाली, जो अभी इसमें बोला आपने, इसमें बोला उस विवेक ज्ञान को उपलब्ध हुए योगी को क्रम से सात प्रकार की प्रकृष्ट प्रकृष्टताओं वाली बुद्धि बन जाती है उसकी। अभी आपने बोला है 2614 में बोला, अच्छा ठीक है? ओके सर। सर मतलब यहाँ पे जो वो पुरुष के आना है उसको विवेक ख्याति बोला है। हाँ, चलो बताओ इसका। 2618 का क्वेश्चन है ये। योग सूत्र के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार कैवल्य अवस्था की उपाय रूपा यह विवेक ख्याति साधक को किन साधनों द्वारा प्राप्त होती है? देख लो और बताओ, या का होगा या गा होगा या गा होगा या घा होगा, सारे हैं ऑप्शन आपके सामने। सर माइक मत ऑन किया करो, तुरंत सोचो थोड़ा सा, और लोग को थोड़ा सोचने का मौका दो। बताइए नेहा जी, माइक ऑन करके सर बताइए। ऑप्शन का होगा, योगों का अनुष्ठान करने से, योग अंगों का अनुष्ठान करने से। 2618 का बोल रही है ना जी सर? का साक्षी, माइक ऑन करो। जी सर आपने क्या बताया था? गा तो घा होगा कि का होगा? होगा ही होगा। योग दर्शन के अनुसार बताइए कि कैवल्य की प्राप्ति विवेक ख्याति साधक को किन साधनों द्वारा होती है? एक है आपका योग अंग अनुष्ठान,
घा होगा, ठीक है। क्षण और उसके क्रम में सैम करने से वहां क्या प्राप्त हो रहा था, याद आ रहा है कुछ? जी सर, सर हमें क्या योग भी प्राप्त लग हो रहा रहा था लेकिन साधन पूछा तो इसीलिए फिर। सर उसमें ना, सर उसने विवेक चम ज्ञानम बोला है, अगर इधर परफेक्टली विवेक ख्याति पूछे है उन्होंने तो पहला होगा ना सर। एक मिनट रुकना, योग दर्शन के अनुसार बताइए कि कैवल्यावस्था की उपाय रूपा, बहुत बढ़िया, यह विवेक ख्याति साधक को किन साधनों द्वारा प्राप्त होती है? देखो यहाँ विवेक ख्याति लिखा है, ठीक है। इसका एप्रोप्रिएट आंसर यदि आप बोलो तो का ही होगा, घा नहीं होगा। विवेक ज्ञान कैसे मिलता है? योग अंगों के अनुष्ठान करने से ही मिलता है ना। क्षण और उसके क्रम में सहन करने तो ये अलग से बताया हुआ है, पर इसका मेन जो है अप्रोप्रिएट आंसर वो विवेक ख्याति का ये पहला वाला होगा, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। क्लियर है ये? तो मतलब ऐसा करना कि वो क्षण वाला नहीं है, तो वो भी तो दो तरीके है ना विवेक ख्याति के। नहीं, इसका अप्रोप्रिएट आंसर का होगा यहाँ पे साक्षी। क्षण और उसके क्रम में सहन करना ये कब होता है? जब आप विवेक, जब आप सिद्धि कब मिलेगी आपको? अभी डायरेक्ट आप विवेक ज्ञान प्राप्त कर लोगे? मैं आपको बोलूं चलो क्षण और उसके क्रम में सहम करो, साक्षी कर लोगे क्या? नहीं सर, का होगा इसका सही उत्तर, योग अनुष्ठान करने से का ही होगा ना। ओके, का कबूतर। हाँ हाँ सर, मालूम हो गया। कोई उत्तर बताए ना, तब थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था इसलिए मैं पूछा। हाँ चलो, अब मुझे इसका उत्तर देना। 2600 कितना लिखा है इसको बताओ तो, कितना लिखा है? अच्छा 2698 कौन 18 कौन बोला मेरे को? अच्छा सर 9 है वो। नहीं 18 कोई बोला था, अभी कौन था वो तो बताओ सर, मैंने बोला था। योग दर्शन के अनुसार श्रोता आकाश संबंध में संयम का क्या फल है? मुझे कौन बताएगा इसका उत्तर? राखी शिंदे जी बताएंगे इसको। यस सर, दिव्यम श्रोत्रम, सेकंड वाला ख ख वाला होगा सर, श्रोत्राकाश यो संबंध संयम दिव्यम श्रोत्रम। बहुत बढ़िया, देखिए अच्छे से पढ़ने में यही फायदा होता है। और प्रश्न है आप लोगों के लिए? हाँ अभी देखते हैं इसका उत्तर करो। 2700 का, योग दर्शन के अनुसार बताया है कि काया आकाश संबंध में संयम का क्या फल है? काया काशयो संबंध संयमा लघुतूल समापत्ते सकाश गमनम बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततो मनोजवित्तम विकरण भाव उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे ही प्रश्न आता है एग्जाम, काया और आकाश के संबंध में करने से क्या होता है, मुझे आंसर इसका कौन देगा? संध्या जी बताएंगी। सर फर्स्ट वाला रहेगा, समापत्ते आकाश गमनम, आकाश में उड़ने के सिद्ध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसके पहले वाला जो प्रश्न है ना उसमें मैंने गलत किया है, तो मुझे इसके सभी ऑप्शन सही लगे थे, तो एक बार देखना। हाँ हाँ सर, एक मिनट में पढ़। 2699 है ना ये? मैंने इसको सभी उपयुक्त सभी किया था। बताइए क्या होगा सर? श्रोत्र मतलब दिव्यम श्रोत्रम ही है, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी पढ़ने पे लगा कि ये तो ठीक ही है। श्रोता काश्य संबंध संयमार दिव्यम श्रोतम, ठीक है, का अर्थ निम्न में से कौन सा है? शब्दवाणी के माध्यम से प्रकट होता है तथा वह आकाश में रहता है, किसी एंगल से नहीं होगा, किसी एंगल से भी नहीं होगा। ये योगी को श्रोत्र इंद्रिय में, योगी को श्रोत्र इंद्रिय में दिव्यता आती है, आती है, बिल्कुल आती है जी सर। श्रोत्र इंद्रिय और आकाश के संबंध में संयम करने से योगी की श्रोत्र इंद्रिय दिव्य हो जाती है, ये अप्रोप्रिएट आंसर है। गा खा और गाव दोनों सही है, लेकिन ग जो है वो अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट आंसर। आपको सही में से कौन सा ज्यादा सही है यही चूज करना होता है, ठीक
ठीक है, जी सर। अभी आते हैं अपने हम कैवल्य पाद की तरफ। चलो पवन विद्यार्थी, प्रश्न पढ़ रहा हूं, उत्तर देना। चित्त स्वयं अपनी वृत्तियों का ज्ञाता नहीं होता। बिल्कुल, मैंने समझाया हुआ है अच्छे से आपको। योग दर्शन के किस सूत्र में अधोलिखित में से इसको आप बता पाएंगे कि चित्त अपनी वृत्तियों का ज्ञाता नहीं होता? बहुत सही है इसका क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको देना होगा। इससे पता चलेगा, जो लास्ट टाइम मैंने क्लासेस ली हैं आपकी वो सफल हुई। अरे क्या हो गया? अरे यार, एक तो माउस पैड क्वेश्चन दिख रहा है ना? ये सर 100 कितना वन नंबर, 1706 ना सर। मैं मार्क कर रहा हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। कहाँ 707 गया यार वो? 706 2706 सर। 77 1 मिनट, सिक्स। इसका उत्तर करो। 2706 का। आप लोग को हिंदी नहीं आती क्या? करो जी आती है सर, आती सर। फिलहाल तो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। सर ये होगा सर, एक समय में जो एक चित्त को ध्यान करेंगे सर, यही उखा नंबर सर। 2606 का आंसर दे रहे हो ना? 2706 जी का मतलब 1706। हाँ 17 है सत्ताईस सौ वो। सॉरी 27। सब मटिया मेट करके मिट्टी में मिला देते हो तुम। सब मिट्टी में मिला दिया। अरे यार ये कहाँ चला गया? 1 मिनट रुकना। तो इसका मार्कर कहाँ गायब हो गया? रुकना है 1 मिनट है। किसी को मालूम है क्या कैसे आता है? पूरी ऑप्शन तो मैं देख डाला हूँ, कहाँ से आएगा ये? साइट में है, उसी के साइट में। हाँ जो वो लाइन्स आ रही है उसमें मार्कर का उसी ऑप्शन में है सर, कहाँ पे? साइट में आ रही थी अभी। आप उसको थोड़ा जूम कीजिए, मतलब कि मैक्सिमाइज कीजिए थोड़ा। नहीं, वहां पर जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन है ना, उसके ऊपर क्लिक करिए। वो साइट में आ रहा था अभी। रुकिए 1 मिनट, वापिस से खोलते हैं। कहाँ पे बोल रहे हो? अच्छा इसमें आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। हाँ यार पवन, निराश करते हो यार। छब्बीस सौ सात छह का उत्तर को, इस सात है कि छह है, सॉरी 2706 का उत्तर करना है इस वाले का। कौन करेगा मुझे ये बताओ? पवन जी तो फेल हो गए इसमें। खा सर मैं खा। बताऊं? हाँ बताइए, हेलो। कौन बता रहा है? हाँ राकेश जी बताइए। हाँ, न तत् स्वाभासम दृष्टत्वात्, क्योंकि क्योंकि बहुत चित्त बढ़िया, स्वयं प्रकाशित नहीं होता, इसलिए वो नहीं जानता। बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर क्या होगा पवन? पवन हो कि नहीं हो यार, तुरंत आवाज किया करो। जी सर, जी सर। पढ़ते वढ़ते नहीं हो तुम, बिल्कुल जीरो कर रखा है सब। क्या चित्त को एक समय में एक ज्ञान होता है अथवा अनेक योग दर्शन के अनुसार? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। बताओ इसका उत्तर। क्या चित्त को एक समय में एक
ज्ञान होता है अथवा अनेक, योग दर्शन के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर किसने बताया है? एक समय जो उभयमान अवधारणम न तत्स्वभासम दृश्यत्वात् चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धिरिति अति प्रसंग स्मृति संकरश्च चित्ते अप्रति संग्रमयास्त तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। सूत्र देखो, उसका अर्थ तुरंत आना चाहिए समझ, क्या बोला था इसमें। इसीलिए ने पढ़ाया था आपको मैं ऐसा, क्यों कैवल्यपाद से डरते हो, क्यों डरते हो कैवल्यपाद से? अभी दो चार सूत्र पढ़ा दूंगा, हो जाएगा कैवल्य कंप्लीट, आपका कैवल्य भी हो जाएगा कंप्लीट। 2707 का उत्तर कौन देगा मुझे? साक्षी पाल आ जाओ अखाड़े में। सर मुझे का लग रहा है, विद रेफरेंस बताओ कैसे होगा ये बताओ। क्योंकि सर इसमें ये बताया था ना कि एक वस्तु तो एक ही है, तब भी सभी को उसके अलग 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 दिख रही है वो, क्योंकि उनके चित्त की वो अलग ही वासना है। बहुत सही उत्तर है आपका 2707, प्लस टू कर लो आप, ठीक है? ओके सर। सत्ताईस सौ सात का क्यों होगा, इसका प्रश्न नीचे दिया हुआ है, उसका आंसर करिए। आज क्या तारीख है? 25th, 15th, sorry sir, 20th। तुम लोग सब गिनती भूल गए हैं। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? एक समय चा उभयान अवधारणम का अर्थ कौन सा होगा? अपरिणामी होने से चित्त के स्वामी पुरुष को चित्त की वृत्तियां सदैव ज्ञात रहती हैं, या तो ये होगा, वह चित्त अपने स्वरूप को स्वतः ही जानने वाला नहीं है दृश्य होने से। दूसरा, चित्त के द्वारा एक ही समय में विषय बोध तथा स्वयं का बोध नहीं हो सकता। गा हो गया, घा में उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सूत्र का अर्थ, एप्रोप्रिएट अर्थ क्या होगा? ये तो सभी उत्तर जितने लिखे हैं सब सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं लिखा। अब जो लिखा है एक समय है चाहे उभयान अवधारणम का अर्थ, इसमें से कौन सा होगा मुझे बताओ। सर इसका खा होगा। खा होगा, साक्षी हो? हाँ जी सर। हाँ जी सर, गलत गलत आंसर दे रही हो। साक्षी हिमराज जी तो आज एकदम मौन होकर बैठी हैं, बताइए भाई। सर गा होगा इसका। बहुत बढ़िया, साक्षी जी हमेशा बिल्कुल शांत रहती पर जब भी आंसर करती बिल्कुल सही। इसका उत्तर क्या होगा? एक समय चा उभयान अवधारणम, जो अभी इसके ऊपर वाला सूत्र था, चित्त को एक समय में एक का ज्ञान होता है अथवा अनेक का, ये जो इसका अर्थ है यहाँ लिखा हुआ है, चित्त के द्वारा एक ही समय में विषय बोध तथा स्वयं का बोध नहीं हो सकता, ठीक है? इसका अर्थ ये आता है 2708 का। इसका उत्तर होगा ग। ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, बीच वाला क्यों नहीं होगा, नीचे वाला तो होगा नहीं, सिंपल है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं कैवल्यपाद से। अब मुझे बताना, चित्त को यदि हम ज्ञाता मान लें तो कौन सा दोष आएगा और कौन से सूत्र में वर्णित है? पढ़ लो सारो सूत्र और मुझे बताओ कि किस में आता है। चित्त को ज्ञाता यदि हम मान लें कि चित्त ही ज्ञाता है, पुरुष है ही नहीं, तो क्या दोष आ रहे थे बताओ? हैंड रेस करो। सर ये तो खा होगा। सर ये तो खा होगा। कितना एक्साइटमेंट इतना एक्साइटमेंट साक्षी,
पर स्मृति संख्या स्वर्ण होता है ना। हाँ होता तो है, हाँ फिर बहुत से बढ़िया, मतलब आप अच्छे से पढ़े हो ना। मैं मान लू, पूनम वानखेड़े जी ओपन योर माइक। हाँ संध्या सर लावण अभी। जी, संध्या लावण जी भी बताएंगी कि यदि चित्त को ज्ञाता मान ले तो ये जो संस्कारेभ्य वाला हो रहा है आपके अकॉर्डिंग क्यों हो रहा है। अच्छा नहीं सर वो मैंने गलत समझ लिया था। सर हिंदी इतना हाई लेवल होता है तो हमें बहुत उसको सोच मैंने सोच। क्वेश्चन आपको पढ़ा बस नहीं, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया। हाँ सर उससे पहले ही मैंने वो कर दिया था खुद ही पढ़ के, तो इसलिए जब आपने क्वेश्चन बोला तो आई अंडरस्टैंड कि उसमें क्या, मुझे लगा कि वो पहला वाला जो था ना कि जो छिद्र रहता है तो उससे ज्ञाता को समझने में दोष, कैसे मैंने समझ लिया खुद ही। चित्त को ज्ञाता समझने में क्या दोष आएगा, उन्होंने साफ साफ बोला पतंजलि जी ने, छड़ी बात का यहाँ विरोध ही चल रहा है। देखो यदि हम हाँ चित्त सर को चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग स्मृति संकर, यदि एक चित्त को दूसरे चित्त सॉरी पहले चित्त को दूसरे चित्त का यदि हम विषय मान ले, मतलब ना क्या विषय चेंज हो जाते हैं, दूसरा चित्त इसका विषय बन गया, ये वाला चित्त उसका विषय बन गया, मतलब चित्त परिवर्तित हो रहे थे वहां पर, तो मतलब वहां आत्मा नहीं थी। यदि हम ऐसा मान लें, मैंने अच्छे से समझाया था आपको, कॉन्सेप्ट फुली एकदम समझाया था, कॉन्सेप्चुअल होकर समझाया था क्या होता है वहां पे। यदि कहीं से भी लिंक टूटी उन चित्त के बीच की लिंक, चित्त की लिंक टूटी तो क्या होगा, स्मृति संकर होगा। स्मृति संकर मतलब समझ रहे ना, मिक्सअप हो जाएगा। कैसे पता करोगे कि यार उसका वही था, है ना। इसका सही उत्तर खा होगा। देखो अभी साक्षी पाल आपसे बेहतर आंसर की है, अभी तो समझा ही दिया मैंने 2710 का उत्तर। अब मुझे बताओ 2711 में, 2711 में निम्न में से किस सूत्र में चित्त में ग्राहा ग्रहण ग्रहिता के स्वरूप का वर्णन है। कितने अच्छे से पढ़ाया है मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, पर जो क्वेश्चन बने हैं मुझे ऐसा लगता है मेरे पढ़ाने के बाद तो शायद कोई आंसर इसका ना दे पाए, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी नहीं दे पा रहे हो तो फिर राम राम। आंसर करिए जल्दी से, समय इतनी जल्दी बीतता पता नहीं चलता। आंसर करो, कहाँ हो सब बताइए, कौन बताएगा, प्रियंका जी बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है सर। हाँ आप लोग तो एकदम हैंग हो गए हो। हाँ मामा हो, पैसे भेज देना। हाँ यार अभी नहीं आया मेरे को, 10 तारीख हो गई। सर मुझे वो 41 सूत्र समाधि बात का याद है, क्षीण वृत्तिर विजातस्य मणि गृहीत ग्रहण प्रियंका ग्राह्य। जी मैंने कैवल्यपाद में बोला था, याद कराया था आपको, ग्राह ग्रहण ग्रहिता अच्छे से याद कराया था, याद होगा आपको। फिर सर इनमें से ठीक है मम्मी फिर। तो सर बी होगा क्या, अच्छे से समझाया था क्योंकि मुझे, जहां तक याद है मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, इतने अच्छे से कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में चीजें चली गई थी, मैंने अपलोड कर दिया था, अब आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। सर स्वयं की चित्त का और दूसरों की चित्त का ऐसा कुछ स्वार्थ और के आंसर बारे करेगा इसका, किस में। सूत्र में ग्राह ग्रहण और ग्रहिता का संबंध है यहाँ पे, इस सूत्र को देख कर यदि आपको समझ में आ रहा हो तो। स्लाइड तो सभी को दिख ही रही है, और बड़ा करूं क्या। होगा दृष्टारोपित सर्वोत्तम। पुष्पा जी आज तो आप बिल्कुल छा गए हो, देख रहे हो, जिस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा उसका उत्तर पुष्पा जी दे रहे हैं। कैसे होगा पुष्पा जी बताओ ये उत्तर। सर विश्लेषण करना नहीं आता सर। चलो आप सोच लिए, यही बड़ी बात है। साक्षी जी बताएंगे, साक्षी जी को तो आता ही होगा। साक्षी पाल से पूछ लेते हैं, आ रहा समझ में कौन सा होगा इसका। सर मेरे को ये याद है कि आप उसको इससे कनेक्ट करके बता रहे थे शनिवृत्ति से, अभी आप उनसे पूछ लीजिए।
मैं बताता हूं, मैं हवा में नहीं बताता साक्षी, उससे प्रश्न बन सकते हैं इसलिए ऐसा बताता हूं। साक्षी हिमराल आप बताइए। सर आपने इसमें ये बताया था कि जो दृश्य दृष्टा और दृश्य का उस पे चित्त पे प्रकाश पड़ता है, तो अगर उस पे आपने दो एग्जांपल दिए थे इसमें कि अगर मान लो वो एक स्फटिक मणि की भांति है, तो अगर उस पे लाल फूल, देखिए वो छोड़िए, मैंने क्या बताया था, यहाँ लिखा है ग्रह ग्रहण ग्रहिता, क्वेश्चन देखिए वहां मैं क्या बोला था, इससे मतलब नहीं, ग्रह ग्रहण ग्रहिता का संबंध इसमें किस में किस सूत्र में दिखाई दे रहा है, चित्ते अप्रतिसंगस में हमें दिख रहा है कि दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम में दिख रहा है कि तद असंख्य वासना अभिश्चित्रमपि परार्थम संगतकारित्वात में दिख रहा है आपको, ये ग्रह ग्रहण और ग्रहिता। सर वही मैं भी वही अंदाजा लगा के बता दिया सर, सही है कि नहीं है बोल के। साक्षी जी हैंग हो गए हो, कॉन्फिडेंस नहीं था। सर मैं बता सकती हूँ? बोलिए ना राखी जी, बिल्कुल वेलकम है, विचार विमर्श के लिए तो मेरी क्लास, पर्सनल कोचिंग चल रही है। सर इधर इधर दृष्टा है ना सर, दृष्टा है वो ग्रहितृ है, और ग्रहण जो है तो दृश्य है, और चित्त जो है ना वो ग्रहितृ ग्रहण है। बहुत बढ़िया राखी जी, बहुत बढ़िया। आया साक्षी हिमराल जी आपको? सर ये तो समझ आ रहा है, उसमें देखो ये साफ साफ समझाया था चित्त को, क्या बोला था, दृष्ट और दृश्य के बीच की कड़ी समझाया था, लिंक समझाया था, चित्त वहां पे क्या रूप कर रहा था, चित्त वहां पे ग्रहण का कार्य कर रहा था, दृश्य क्या था, ग्रह था, और दृष्टा क्या था, आपका ग्रहिता था। इस सूत्र में वो चीजें आती है तीनों की तीनों, पता नहीं कैसे पढ़ते हो आप लोग, नाक कटवा के रख देते हो पूरा। अब इस सर ऐसा मत समझो, सब तो प्रयत्न कर रहे हैं, किसी को याद रहता है किसी को नहीं याद रहता, ऐसा मत समझो आप, अपना दोष मत, नाराज मत हो। कोई बात नहीं, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा, इसका अर्थ बताइए, सूत्र देख लिया, नीचे पढ़िए कौन सा एप्रोप्रिएट होगा, आंसर कीजिए। ये समझ लो आप लोग की पर्सनल कोचिंग चल रही है, मैं यहाँ 100 लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना नाम ले लेके जो पूछ रहा हूँ ना, ऐसा देखो कम लोग आते हैं तो ज्यादा अच्छी क्वांटिटेटिव क्लास होती, ज्यादा लोग में मैं सबसे नहीं पूछ सकता, लेकिन कम लोग जुड़े हैं तो देखो सबसे पूछ पा रहा हूँ, सबके समझ में आ रही चीज, जो पढ़ाया है उसके प्रश्न कैसे बनते हैं। परिणाम एकत्वात वस्तु तत्वम का अर्थ निम्न से कौन सा होगा, क्या गुणों का पृथक पृथक आत्यंतिक परिणाम एक होने से सृष्टि के सभी पदार्थों की पृथक पृथक वस्तु तत्वता है, क्या ऐसा है इसका अर्थ, नहीं, सभी वस्तुओं का अंतिम परिणाम एक ही होता है, ये कुछ सही सही सा लग रहा है, आकार की दृष्टि से हर एक वस्तु अलग अलग दिखाई देती है परंतु तत्व से वे सभी एक ही धर्म वाली होती है, ये भी अच्छा अच्छा लग रहा है एग्री जैसा। उपर्युक्त सभी घाव उत्तर, उपर्युक्त सभी तो वैसे इसका नहीं होना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या होगा। सर ग होगा शायद, आकार की दृष्टि बताइए, गुणों का पृथक पृथक आत्यंतरिक परिणाम होने से सृष्टि के सभी पदार्थों की पृथक पृथक वस्तु तत्व है, तुक्का ही लगा दो यार, क्या बोले, सर ग होगा आकार दृष्टि के हर एक वस्तु को अलग अलग दिखाई देता है परंतु तत्वतः वो सभी एक ही धर्म वाली होती है, इसका उत्तर है प्रोपेट होगा सर, गा हो जाएगा, सर दो ऑप्शन रहेगा तो गा का सही है, गुणों का पृथक पृथक आत्यंतरिक परिणाम एक होने से सृष्टि के सभी पदार्थ की पृथक पृथक वस्तु तत्वता है, ठीक है, गुणों के बीच में आत्यंतरिक परिणाम होता है आपस में, इसीलिए उन सब में पृथक पृथक वस्तु तत्वता दिखाई देती है, वैसे इसका सही उत्तर मुझे लगता है ग होना चाहिए, ठीक है। इस सूत्र का अर्थ क्या लिखा है, परिणाम एक होने से
क्या बोला था, परिणाम की एकता से वस्तु का वैसा होना संभव है ना। लेकिन इस सूत्र के ऊपर वाले संबंध में क्या लिखा था, 13 नंबर के सूत्र का संबंध पढ़िए, यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले गुणों में एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है। सर आपने वो दिया और बाती का एग्जाम्पल दिया था इसमें, तो ये तो मुझे, मैंने तो ख लिख दिया सर, प्रकाश ही एक है, वो दिया या फिर वो बाती वो उसके साथ होते हैं। इसका इसका सही उत्तर हर व्याख्याकार के अनुसार अलग अलग होगा, ऐसा प्रश्न आएगा नहीं वैसे, उसका उत्तर वैसे का है। अब इसका उत्तर करिए जो कल पढ़ाया था मैंने, चित्तेर, पहले से सूत्र को पढ़ के दिखाओ, कौन पढ़ेगा, संध्या जी पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए संध्या जी। चित्तेर पहला वाला ना, चित्तेर प्रति संक्रमाया सदाकारा पत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। स्वबुद्धि संवेदनम, अर्थ बताइए अब क्या होगा, पीछे पढ़ के, चित्त का प्रतिक्षण संक्रमण होता रहता है, बुद्धि ही निश्चय करती है। हाँ नहीं सर ये नहीं होगा, प्रति संक्रम से रहित चेतन शक्ति दृष्टा अर्थात आत्मा के समीप विषयाकार चित्त के प्राप्त हो जाने पर चित्ति को अपने चित्त का अनुभव हो जाता है। हाँ सर ये होगा, कौन सा होगा जो अभी पढ़ा सर आपने, 2713 का खा होगा, लॉक कर दिया जाए। संध्या जी का कबूतर तो होगा नहीं, का गमला होगा नहीं, नहीं सर वही है खा बोला मैंने, खा होगा, खा को लॉक कर दीजिए सर। हाँ सर लॉक कर दीजिए, हो गया, आप जीत गए हैं +2। ठीक है, आपका जो दृष्टा है वो प्रतिसंग से रहित है, लेकिन प्रतिसंग होने के बाद भी, मतलब वो क्या किसी का संग है, दृष्टा तो निर्विकार था ना इसमें, लेकिन विषयों के साथ जैसे ही समीप आता है वो, उसको लगता है, मतलब चित्त के होने के कारण, चित्त का प्रकाश जब पड़ता है तो दृष्टा अपने आप को चित्त समझने लगता है। इस सूत्र में यही समझाया था आपको, मतलब स्वबुद्धि संवेदना मतलब तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यदि आप वो सूत्र याद कर लेते तो आपको इसका उत्तर मिल जाता। या फिर दूसरा सूत्र समझाया था, दृष्टा दृष्टि मात्र है शुद्धोपि प्रत्यानुपस्य, भी याद कर लिए होते तो इसका उत्तर आपको आ जाता। कोरिलेट करके पढ़ लो वरना नहीं समझ में आएगा कभी। इसका उत्तर करिए 2714 का, दृष्ट दृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम का अर्थ होगा, दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा हुआ चित्त सब स्वरूपों वाला प्रतीत होता है, चित्त ही दृष्टा तथा दृश्य भी है, चित्त ही सब दृश्यों को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है। उपर्युक्त सूत्र का अर्थ क्या होगा 2714 का बताइए, कितना सरल है, इसमें कोई चूकना नहीं। इसमें कोई चूकना नहीं भाई। प्रियंका जी 1, पूनम जी 1, कृष्णा जी बताओ इसका उत्तर। जी सर का है, दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा हुआ चित्त सब स्वरूपों वाला प्रतीत होता है। हाँ बहुत बढ़िया कृष्णा जी, आपको समझ में आ रहा है क्या बल्लपाल, इसका उत्तर का होगा। ठीक है, दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा हुआ चित्त सब स्वरूपों वाला प्रतीत होता है, इसका अर्थ होगा। निम्न में से किस सूत्र में चित्त के संघात रूप का कथन किया गया है। सर संघात का मतलब बता दीजिए। मैं क्यों बताऊं, ऑप्शन देख के खुद अनुमान लगाओ क्या उत्तर होगा। पढ़ो पहले सारो ऑप्शन क्या लिखा है और बिना मुंह खोले उसको देखो, आंसर टाइप करो, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। कभी कभी क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ही लिखा होता है। बहुत बढ़िया, राखी जी ने मारा है 6,
सबसे पहले सिक्स किसने मारा था? प्रियंका पांडे जी ने मारा था। बहुत बढ़िया प्रियंका जी। निम्न में से किस सूत्र में चित्त के संघात का वर्णन है? तदा असंख्ये वासना अभिश्चित्रमपि परार्थम संघत्यकारित्व। चित्त कैसा होता है? वासनाओं से भरा होता है, असंख्य परार्थ होता है, दूसरों के लिए होता है, संघत्यकारी होता है, मतलब छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है और दूसरों के लिए होता है। संगत मतलब होता है जैसे कि परमाणु का इसमें एग्जांपल दे देता, कोई भी पदार्थ जो है छोटे छोटे अणु से मिलकर होता है, मिलकर बना होता है, चित्त भी वैसे ही होता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा ग गमला। ये मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ, इसको सोच लेना, थोड़ा देख लेना आप। चलो बताओ, 2717 का आंसर देना है। योग सूत्र के अनुसार बताया है कि विवेक ज्ञान से चित्त का स्वरूप कैसा होता है? कैसा होता है भाई विवेक ज्ञान से चित्त का स्वरूप? इसमें तो गलती नहीं करना भाई। चलो पवन विद्यार्थी, ओपनर माइक, और तुमको तो अच्छे से समझाया था मैंने, तुमको बहुत अच्छे से समझ में भी आया था, बताओ। ऐसा लग रहा है पर्सनल कोचिंग चल रही। गिने चुने 12 बच्चे आते हैं, इनको पढ़ाओ। जी सर, ये सी होगा सर इसमें। बहुत बढ़िया पवन, पवन जी के लिए सभी क्लैप किया करो जब अच्छा आंसर करे तो। जब आपका विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कैसा होता है? केवल के अभिमुख होता है ना पवन। विवेक ज्ञान से क्या होता है? चित्त साधक का केवल की ओर अभिमुख हो जाता है, जैसे पानी ढलान से गिर रही होती है, वैसे एग्जांपल दिया था, याद होगा। सत्व पुरुष शुद्धि में केवल मिति, इसको छोड़ो, अभी आखिरी उत्तर। हाँ, इसका उत्तर करो। निम्न में से किस सूत्र में विवेक ज्ञान से योगी की शंकाओं का समाधान होने की बात की है? तच्छिद्रेषु प्रत्यंतातराणि संस्कारेभ्य हानमेषां क्लेशवदुक्तम, या फिर ये कहाँ गया, तदा विवेक निर्मम कैवल्य प्रागभारम चित्तम विवेक दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्ति। प्रश्न नंबर कौन सा है? उन्नीस ना, उन्नीस। सर ऑप्शन और बताइए। तच्छिद्रेशु वाला है, हानमेशाम वाला है, शंका का समाधान किसने बताया है बताइए, योगी के विवेक ज्ञान की। क्लेश वदुक्तम होगा, सी और डी दिखा रहा हूँ। अरे यार ये कहाँ से आ गए, तदा विवेक निम्नम केवल प्रागभारम चित्तम विशेष दर्शन आत्मभाव भावना निवृत्ति। शंका का समाधान किसमें किया था? घा में ही तो किया था, विशेष दर्शी वाले चित्त का कैसा होता है चित्त, उसकी सभी आत्मभाव नामक जो भावना होती है सबका निराकरण बताया था इसमें, जहां तक मुझे याद है घा होगा। ठीक है, इसका उत्तर ठीक है, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे लिखा है, छोड़ो इसका आंसर मत करो। हाँ ये वाला आंसर करो, इस पे हो सकता है आप लोग आंसर दे सकते हो। तच्छिद्रेषु प्रत्यंताराणि संस्कारेभ्य का अर्थ कौन सा होगा, पढ़िए और आंसर करिए। ये समझ लो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है, वहां पे आते हैं ऐसे ही चारों क्वेश्चन, ऐसे ही आता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड में भी। टीचिंग एटीट्यूड के मॉक टेस्ट करते हो,
हो या गया सर है सर पढ़ रहे थे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सर पहले का आंसर डी था क्या? क्या था? इसके पहले वाले का आंसर डी था। संता डी। का समाधान डी से होता है, मतलब आत्मभाव भावना निवृत्ति जिसमें होती है। इसका बताइए। सत्ताईस इक्कीस धर्मिक समाधि के द्वारा क्लेशों व कर्माशय की निवृत्ति हो जाने के बाद कृत कार्य हुए सत्वादि छीयमाण पूर्ववर्ती व्युत्थानों के संस्कारों के कारण से गुणों के परिणाम क्रम की भी समाप्ति हो जाती है। अच्छा, ऐसा होता है। उस विवेक ज्ञान युक्त चित्त के छिद्रों में विवेक ज्ञान रहित अज्ञान में वृत्तियां भी उदय हो जाती हैं। हाँ, कुछ कुछ सही लग रहा है। पूर्व जन्मों के अनेक संस्कारों के कारण हमारा चित्त समय समय पर आलंबन मिल जाने पर उन वृत्तियों को उद्भूत करता रहता है। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताओ। सर सी ग्रो होगा, ग्रो। ग्रो। सी वाले और सब अपना अपना आंसर करो। पहले तो तुमसे पूछे जाएगा ना क्या उत्तर होगा, बताओ आंसर करो। नेहा जी सी बोल रही हैं क्या? प्रियंका जी सी बोल रही हैं? साक्षी हिमराल, अभी वाले का उत्तर है ये सी। ठीक यस सर यस सर है। पूनम वानखेड़े ए, वानखेड़े जी बताइए, अभी वाले का ये। सर मतलब साधक जो है वो मतलब एक सत मिनट प्रियंका जी, एक मिनट में पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। पूनम जी कहाँ हो आप लोग, आवाज क्यों नहीं करते हो यार? चार जन तो बैठे हो क्लास में, उसमें भी गायब। लगता है कि वो जो भी थोड़े थोड़े संस्कार रह गए वो भी आंसर कौन सा होगा इसमें? क ख ग ए क क कबूतर। हाँ चलो, कौन बताएगा कि का नहीं होगा? कैसे नहीं होगा, कौन बताएगा? बहुत खा होगा शायद, क्योंकि आपने बताया था ना ऐसे चित्र में अच्छे, जिसमें का होगा। का क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा? का क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा? बताइए, हैंड रेस करिए, देख रहा हूं मैं हैंड रेस। बताइए संध्या जी। सर इसमें जो दिया है कि धर्म में समाधि के बाद तो क्लेश कर्म कुछ रहेगा ही नहीं, उसके बाद भी उन्होंने बोला है कि वित्थान संस्कारों के कारण, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ ही भी लिखा है ऐसे लगा मुझे। बिल्कुल सही बात है। अभी धर्म एक समाधि तक हम तो पहुंचे ही नहीं थे। तत् छिद्रेशु में से तत् का तात्पर्य किससे है, उस तत् का मतलब क्या है? सर और इधर ना गुण समाप्ति की बात भी है, गुणा की समाप्ति इधर नहीं होती सर। हाँ, उस मुझे बताइए, तत् छिद्रेशु में तत् क्या है? सर चित्त हाँ, तुम तो अलग ही नशा कर बैठी हो। सर विवेक खेती सर विवेक ज्ञान में उसका बहुत फर्स्ट बढ़िया, स्टेप फर्स्ट है सर, स्टेप उसका भी फर्स्ट स्टेप है क्योंकि इसमें भी है। हाँ, सत्वगुण शुरू होता है, लेकिन कभी कभी सॉरी रज और और तम के बिल्कुल कारण वो जो छिद्र है उससे कुछ और संस्कार के उत्थान हो वित्थान के सकता संस्कार, है। वित्थान के संस्कार। तो ये विवेक ख्याति की बात हो रही है राखी जी। तत् छिद्रेशु में जो तत् है ना, वो विवेक ख्याति से यस सर संबंधित है। विवेक ख्याति, यस सर विवेक ख्याति ही बोला सर मैंने, विवेक ख्याति नहीं, और में कौन था जिन्होंने ये आंसर किया था? पूनम जी। पूनम जी, वो तत् जो है ना, वो विवेक ख्याति के संबंध से है। वो पहला उत्तर तो किसी एंगल से नहीं होने वाला भाई। अज्ञान में वृत्तियां उदित होती हैं क्या? नहीं होती हैं। खा कबूतर, खा भी नहीं होगा, नहीं एक मिनट होगा। ताई से क्या है? उस विवेक ज्ञान युक्त चित्त के छिद्रों में विवेक ज्ञान रहित अज्ञान में वृत्तियां भी उदित होती हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ सर खा। इसका खा उत्तर सही होगा। ठीक है,
मतलब विवेक ज्ञान में छिद्र होने के कारण ही वो सारे अज्ञान में ही जो चित्त के व्युत्थान के संस्कार है वो आते रहते हैं। इसका उत्तर ख खबूतर सॉरी ख खरगोश सही होगा। सर ग होगा सर। ग नहीं होगा। अब इसमें देखो आपने ग बोला है, मैं दिखा दे रहा हूं। पूर्व जन्म के अनेक संस्कारों के कारण हमारा चित्त समय समय पर अर्थात आलंबन मिल जाने पर उन वृत्तियों को उद्भूत करता रहता है। ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन सूत्र में क्या बोल रहा है? तत् छिद्रेशु। तत् छिद्रेशु में किस छिद्र की बात कर रहे हैं? विवेक ज्ञान का प्रारंभिक अवस्था ये सब बोलूंगा। ओके सर। विवेक ज्ञान के चित्त में छिद्र की बात कर रहे हैं ना वहां पे, जैसे पानी में पन्नी में छेद होता है तो पानी गिरने लगता है, यहाँ विवेक ज्ञान में छेद हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। इसका अप्रोप्रिएट आंसर खा है। इसको पढ़ो फिर इसको देखो, पढ़ने के बाद भी योग सूत्र इतना जटिल होता है बॉश, देख लो। अब मुझे बताओ ये प्रत्यंतराणी पद का क्या अर्थ होगा? सत्ताईस सौ बाईस का सही उत्तर क्या होगा? प्रत्यंतराणी क्या होगा इसमें? ये प्रत्यंतराणी जो है यहीं से आया है, ये तत् छिद्रेशु होने के कारण जो आ रहा है ये। मैंने अच्छे से समझाया था आप लोग को, बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर जो ये शब्द है ना बॉस, कौन उत्तर देगा इसका पहले देख लेते, किसी के पास है क्या आंसर? कोई आंसर नहीं किया ना विदा? बहुत बढ़िया संध्या जी, नेहा जी बहुत बढ़िया, प्लस टू कर लो आप लोग। बाकी लोग सोच ही नहीं पा रहे हो, बुद्धि ही नहीं जा रही वहां तक। यहाँ पे जो प्रत्यांतर छिद्रेशु है ना वहां पे, सॉरी तत् छिद्रेशु प्रत्यंतराणि, जो प्रत्यय के बीच में अंतर आता है ना, वो ऐसा आता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मेरी ममता है, ये मेरा है, ये पराया है। उस विवेक ज्ञान के बीच में ये सारी वृत्तियां आती, यदि उस विवेक ज्ञान में छेद हो गया तो प्रारंभिक अवस्था में, यदि इससे भी ऊपर उठता है जब विवेक ज्ञान और अच्छे से सर्वथा सिद्ध हो जाता है तो धर्मिक बन जाता है। ये विवेक ज्ञान के बीच में छेद होता है तो ये सारी चीजें आती हैं। विवेक ज्ञान की पन्नी में छेद होगा तो अहंकार आएगा आपको, यह मेरा है, ये तेरा है, मैं सुखी मैं दुखी, अहंकार ममत्व सब चीजें आती हैं प्रत्यंतराणी में। का कबूतर सही उत्तर है इसका। उत्तर करो 27-23 का। मध्य मध्य में उदित होने वाली या ज्ञानमयी वृत्तियां जो संस्कारमयी बताई हुई है आपको, उसका नाश योग सूत्र में कैसे बताया है भाई? कैसे नाश करोगे? और संस्कारों की तुलना किससे की थी? संध्या जी ने आंसर किया है सर थ्री सर। हाँ नमेशा क्लेश हो तो। बहुत बढ़िया। और केवल राखी जी बता रही हैं, संध्या जी बता रही हैं। इसमें साफ साफ तो बोला था जो संस्कार आ रहे हैं यहाँ पे इसके पहले वाले सूत्र में तत् छिद्रेशु प्रत्यंत, इसके जो पहले वाला सूत्र था उसमें जो संस्कार आ रहे हैं उनका उपाय कैसे बताया था करना? उन्होंने बोला था संस्कार इज इक्वल टू, संस्कार इज इक्वल टू क्या? क्लेश, अविद्या। तो अविद्या को कैसे समाप्त किए थे, वैसे ही उन संस्कारों को भी समाप्त करना है, ये समझाया था आपको। ठीक है, चलो बाकी अब आज के लिए इतना काफी है, बाकी तो आगे के सूत्र के प्रश्न है। समझ में आया कितने पानी में हो? हाँ सर। ठीक है, चलिए फिर
मुझे होप है कि आप लोग को आज की क्लास ठीक लगी होगी। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, जैसे मैं पढ़ता था वैसे ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग थ्योरेटिकल क्लास चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्लास ही है ये, उससे प्रश्न ऐसे बनते हैं। चलो फिर, चलो आया समझ में? जी सर। ठीक लगी क्लास? बहुत अच्छी लगी सर। यस सर, बहुत अच्छी लगी। रहने दो सर। बोर तो नहीं लगा? नहीं सर, हम कहाँ पे है रुके हैं वो मालूम हो गया अपने को, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है आगे लिए सोचना पड़ेगा। हाँ चलो, मैं जानता था कि जो चीजें आप पढ़े हो उसका ऐसे इस तरीके से पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि केवल पाद हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम के लिए कैसे पढ़ें ये समझ नहीं आता। ठीक है, चलिए फिर चला जाए ना। ओके, हरिओम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हरिओम। हरिओम जी, हरिओम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम सर। थैंक यू। हरिओम जी, हरिओम।